श्री श्री जगन्नाथ धाम पुरी 2022। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। मैं इस वक्त हूँ चारों धामों से एक धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी में। हर एक सनातन हिंदू अपने जीवन काल में एक बार पुरी मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहता है, इसलिए हर दिन हजारों श्रद्धालु ये मंदिर में दर्शन करने के लिए चले आते हैं। पूरी दुनिया में जगन्नाथ पुरी मंदिर ही ऐसा एक मंदिर है जिधर ओनली हिंदू ही एंट्री कर सकता है। हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध धर्म का लोगों को छोड़ के बाकी कोई धर्म का लोग ये मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। 1984 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी एक पारसी थे। ये वीडियो में आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के ऊपर पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। आप कैसे जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन के लिए आ सकते हो, अभी 2022 में जगन्नाथ पुरी मंदिर दर्शन के लिए कोविड का गाइडलाइन क्या है एंड आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिजिटली सफ़र। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड भुवनेश्वर स्टेशन से जगन्नाथ पुरी मंदिर का डिस्टेंस है अप्रोक्स 65 किलोमीटर। बाई बस भुवनेश्वर का बारमुंडा बस स्टैंड से ओनली 80 रुपीज देकर 1.5 घंटे में ही आप जगन्नाथ पुरी मंदिर आ सकते हो। टेम्पल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम है पुरी रेलवे स्टेशन। इंडिया का हर एक मेजर सिटी से बाई ट्रेन आप पुरी या फिर भुवनेश्वर आ सकते हो। जगन्नाथ धाम पुरी में स्टे करने के लिए आपको पूरा सिटी के अंदर बहुत सारा लॉज, धर्मशाला, होटल मिल जाएगा। पुरी के अंदर भारत सेवाश्रम के जैसा बहुत सारा धर्मशाला मौजूद है। आप ये सब धर्मशाला में बहुत ही सस्ता 200-300 रुपए के अंदर रूम बुक करके रह सकते हो। जगन्नाथ पुरी में स्टे करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा समुन्दर के पास ये सब होटल में। इधर समुन्दर के पास आप देख सकते हो बहुत सारा होटल है। ये सब होटल में प्राइस थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन इधर से समुन्दर का व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, ये सब समुन्दर के पास ये सब होटल है और होटल का पूरा सामने है समुन्दर। मैं कुछ होटल का कॉन्टैक्ट नंबर और उसका डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे बेस्ट होगा आप ऑनलाइन के थ्रू ओआई हो, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिधर से आप ऑनलाइन में ये सब होटल एडवांस में आप बुक कर सकते हो। मैंने बाय ट्रेन कोलकाता का शालीमार स्टेशन से 7 बजे का जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन में पुरी आया था एंड मैं मॉर्निंग 4:30 AM को पुरी पहुंच गए थे। चाहे दिन हो या रात, पुरी स्टेशन से बाहर आपको हमेशा ऑटो, टोटो, टेम्पो मिल जाएगा। रात में ऑटो टेम्पो बुक करने के लिए आपको 100-300 रुपए तक का चार्जेस देना होगा। मॉर्निंग 6 बजे से बस का सर्विस शुरू हो जाता है। बस का किराया है ओनली 10 रुपीज। पुरी स्टेशन में फ्रेश होके मॉर्निंग 6 बजे मैं पहुंच गया पुरी सी बीच। अभी टाइम है मॉर्निंग का 6 बजे और अभी आप देखिए कितना श्रद्धालु समुन्दर में नहाने के लिए आए हुए है। सूरज देवता को नमस्कार पूजा करके बहुत सारा श्रद्धालु समुन्दर में नहा रहे थे। मॉर्निंग 6 बजे से बीच पे सेल हो रहा था चाय, कैमल सफारी, एंड सेल हो रहा था शंख। समुंदर में पूजा देने के लिए नारियल फूल भी सेल हो रहा था। चलिए, समुंदर दर्शन तो हो गया, अभी जगन्नाथ मंदिर के तरफ चलते हैं। उधर 2022 में दर्शन करने के लिए कैसा रूल्स रेगुलेशन है वो सब कुछ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसका दाम कैसा है पूजा देने के लिए? 30 रुपये का। 30 रुपये का
30 रुपए में क्या क्या मिलेगा? नारियल, जनौ, सुपारी, हल्ला, वायरा, पंचोटन सब मिलेगा। अच्छा, ये सब कुछ एक एक करके मिलेगा? मिलेगा। अच्छा 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 मिलेगा। अच्छा, ये 30 रुपए का? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। समुन्दर दर्शन करने के बाद मैं पहले किया अपना पेट पूजा। श्री चैतन्य मूर्ति के पास ये प्लेस का नाम है स्वर्ग द्वार। इधर पूरी, दाल बड़ा, इडली सांबर सेल हो रहा था। मैंने 25 रुपए देकर दाल बड़ा लिया। टेस्ट अच्छा था। स्वर्गद्वार से जगन्नाथ मंदिर डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। आप इधर से 10 से 20 रुपए देकर टोटो या फिर ऑटो में मंदिर तक जा सकते हो। स्वर्गद्वार से मंदिर मैं पैदल जा रहा हूँ। आप अगर चाहो तो ऑटो या फिर टोटो में 10 या फिर 20 रुपए देकर भी जा सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए और ये रोड को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पैदल ही मंदिर के लिए जा रहा हूँ। ये रास्ते पे बहुत कुछ आइटम आपको बहुत रिजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगा। ये रास्ते पे मेनी टाइप ऑफ मिठाई का दुकान एंड बहुत कुछ खाने पीने का दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगा। पंद्रह मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुंच गया जगन्नाथ मंदिर का साउथ गेट में। जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करने के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ टोटल 4 गेट है। साउथ गेट का राइट हैंड साइड में हनुमान मंदिर एंड हनुमान मंदिर का ऑपोजिट साइड में है वॉशरूम फैसिलिटी। हनुमान मंदिर में हर दिन बड़ी धूमधाम से पूजा होता है। हनुमान मंदिर के पास ये साउथ गेट का नाम है अश्वद्वार। गेट के दोनों साइड दो घोड़े के ऊपर दो भगवान बैठे हैं। ये गेट से कोई भी श्रद्धालु पूर्णार्थी का एंट्री नहीं है। इधर से आप एग्जिट हो सकते हो। जगन्नाथ देव रसोई घर का सामान ले जाने के लिए ये गेट का यूज होता है। ये गेट के पास मन्नत पे मुंडन भी होता है। ये है जगन्नाथ पुरी मंदिर का वेस्ट साइड एरिया। इधर से श्रद्धालु एंट्री कर सकता है। वेस्ट गेट का राइट हैंड साइड में है बैगेज मोबाइल काउंटर एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग काउंटर। वेस्ट गेट का राइट हैंड साइड में है दुर्गा तारा मंदिर। ये गेट का नाम है बैघ्र द्वार। गेट का दोनों साइड बैठा है दो टाइगर। ये है पूरी जगन्नाथ मंदिर का नॉर्थ साइड एरिया। इधर आप तर्पण, पिंडदान या फिर साधो शांति कर सकते हो। ये है मंदिर का नॉर्थ साइड गेट हस्ती द्वार। ये गेट से ओनली मंदिर का पुरोहित एंट्री हो सकता है। नॉर्मल श्रद्धालु इधर से ओनली एग्जिट हो सकता है। हस्ती द्वार के पास बहुत कुछ पूजा का आइटम प्रसाद सेल होता है। जगन्नाथपुरी मेन मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको ये बैरिकेड के अंदर से सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर जाना होगा। मंदिर के अंदर कोई भी बैग, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल अलाउ नहीं है। अभी मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास बोथ डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट कॉपी ऐसा होना चाहिए एंड आपके पास वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए और मास्क पहनना मैंडेटरी है। मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए ये जो गेट है, ये गेट से आपको ऐसे अंदर आना होगा और अंदर आके आपको ये जो इधर आप देख रहे हो,
ये है मोबाइल लगेज बैगेज काउंटर, इधर आप अपना बैग या फिर लगेज शूज रख के, फिर इधर है वैक्सीनेशन चेकिंग काउंटर, आप इधर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल वोटर आई कार्ड या फिर आधार कार्ड दिखा के आप मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हो। वैक्सीनेशन चेकिंग काउंटर में बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, भगवान दर्शन करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर ही मंदिर में आइए। वैक्सीनेशन काउंटर का ऑपोजिट साइड में है शू लगेज बैग मोबाइल रिसीविंग काउंटर। मंदिर के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए व्हीलचेयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लगेज बैग रिसीविंग काउंटर में बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, आप अपना लगेज बैग जमा करने के बाद रिसीव कॉपी आप जरूर लीजिए। लगेज बैग काउंटर के पास है शू एंड मोबाइल रिसीविंग काउंटर। काउंटर से आपको ऐसा बैग लेना है, ऐसा बैग में ये जो फास्ट वाला ये चेन जो है इधर आपको मोबाइल रखना है, और ये जो बड़े वाले है ये बड़े वाले के अंदर आपको शू रखना होगा। बैगेज काउंटर का लेफ्ट हैंड साइड में है ड्रिंकिंग वाटर एंड मेल फीमेल वॉशरूम फैसिलिटी। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं मंदिर का अंदर का व्यू आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मैं इधर अपना बैग शूज सब कुछ जमा कर दिया, सिर्फ अभी मोबाइल जमा करना बाकी है। मैं पहले इधर मोबाइल जमा करूंगा, उसके बाद मैं भगवान दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाऊंगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आपको ये बैरिकेड के अंदर से आना है। ये बैरिकेड के अंदर आपका अच्छा से सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही आप मेन मंदिर के अंदर जा सकते हो। ये है मंदिर का ईस्ट गेट सिंह द्वार। मंदिर गेट का दोनों साइड बैठा है दो लायन। ईस्ट गेट से बाहर हमेशा श्रद्धालु का भीड़ लगा रहता है। श्रद्धालु मन में भक्ति लेकर मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम करते हैं। ईस्ट गेट का लेफ्ट हैंड साइड में है खूबसूरत सा गार्डन। मंदिर दर्शन उसके बाद भगवान दर्शन के बाद आप मंदिर का मूल भोग आप जरूर लीजिए। ये मैंने मूल भोग लिया हो, ये देखिए मूल भोग, ये 100 रुपीस लिया है। अभी 12 बजे है, इसलिए अभी मूल भोग है ये, इसलिए 100 रुपीस लिया है। और आपको अगर 50 रुपये में ये भोग चाहिए तो आपको 2 बजे तक इंतजार करना होगा। मंदिर के अंदर जिधर भोग मिलता है उधर तो बैठने का अच्छा खासा प्लेस है, लेकिन उधर मोबाइल अलाउ नहीं है, आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं मंदिर के बाहर ही ऐसे हाथ में लेकर ऐसे बाहर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका टेस्ट मैं पहले भी ये मैं खाया हूँ, बहुत अच्छा है टेस्ट, ये भी अच्छा ही होगा। चलिए मैं ये भोग जगन्नाथ जी का भोग ख़त्म करता हूँ। मैं पहले ये महाप्रसाद मतलब खड़ा होके खा रहा था, तो ये लोग मना किया, ये जो अंदर जो इधर बैग एंड बैगेज का जो भैया लोग जो है वो लोग मना किया, वो लोग बोल रहे हैं कि आप बैठ के खाना खाओ और चप्पल पहन के आप ये खाना नहीं खा सकते हो। वो मुझे पहले पता नहीं था, अभी मुझे पता चल गया, इसलिए मैं अभी ऐसे इधर बैठ के ये खाना खा रहा हूँ। दाल चावल और एक मिक्स सब्जी का भोग, टेस्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार खाओगे जिंदगी भर याद रखोगे। जगन्नाथपुरी में अभी सीनियर सिटीजन एंड विकलांग श्रद्धालु के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी व्हीकल भी अवेलेबल है। मंदिर ईस्ट गेट के बाहर मेनी टाइप ऑफ पूजा का आइटम आपको परचेस करने को मिल जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का ईस्ट गेट का एकदम लेफ्ट हैंड साइड में भुवनेश्वर या फिर पुरी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको लोकल बस मिल जाएगा। जगन्नाथपुरी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।